उसका रोज का ये देखो, ये ड्रामा देखो, बैठ के कौन सोता है, ये देखो हंस रही है, ये लुढ़क गई है। चाली चिरोटी चिरोटी तेरी होगी। नहीं, ये मॉर्निंग में कन्हैया रोज उठाती है कान्हा जी को। नहीं, बड़े वाले को उठा लो। चलो भाई अपने कन्हैया को बड़े वाले को मैंने बिठा देगी साइड में, बिठा दो। छोटे वाले कान्हा जी इनको वो झूले पे बैठा रही है, सिर्फ थोड़ा बीच में बैठाओ, बीच में, बीच में, हाँ बीच में, आगे, हाँ बिठा दो, कोई बात नहीं, गिरेंगे नहीं, प्यार से प्यार से प्यार से बैठ जाए। अब झूला अच्छा आराम से गिरा मत देना, ठीक है। अब चलो इन्हें पानी पिला दो, मैं भोग लेके आती हूँ, ठीक है। ये पहले मैं पानी रखती थी उसमें ग्लास में, मटकी लाने के मेरा छोटी सी मन था, मिलती नहीं थी छोटी, लेकिन जन्माष्टमी में मिल जाती है ना मटकी इनके दही माखन के लिए, तो वो मुझे मिल गई है। आज भी मेरी पूजा हो गई है, मॉर्निंग मैंने पूजा कर दिया, आज मैंने बनाए थे सुबह सुबह पुलाव, वो घी डाल के अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। और ये देखो इन कान्हा जी के पास, मैं आपको बता दूँ ऐसे सिर्फ एक ड्रेस है, बाकी फ्रॉक है इन पे, और बाकी इनकी ड्रेस यहाँ मिलती नहीं है, पता नहीं आसपास कहीं नहीं मिलती, ऑनलाइन भी मैंने अमेजोन वगैरह पर देखा 50 नंबर साइज है ही नहीं, तो ये ड्रेस मैंने आज पहना दी। बाकी इनके पास वैसे कपड़े हैं टी शर्ट जीन्स टाइप की, जैसे लड़कों के बच्चों के कपड़े आते हैं उस टाइप के ही पहनाती हूँ मैंने। ये हो गई हमारी पूजा, भोग वगैरह लग गया आज का, अब मैं अपना व्रत खोल लूँगी। बाकी जगह आज जन्माष्टमी कर रहे हैं तो आज हम जाएंगे मंदिर वगैरह फंक्शन में, सीधा शाम को जाएंगे। ये शाम को हम जा रहे हैं मंदिर में, नीचे जाएंगे, प्रोग्राम है, अनाया को मैंने रेडी कर दिया, ये देखो अनाया रेडी हो गई है, मस्त लग रही है, मस्त लग रहे हो, क्या लग रहे हो? अनाया कहती है मैं मस्त लग रहा हूँ, गोल गोल घूम के दिखा दो कैसे, इसको बड़ा शौक है दुपट्टा चुड्डी लेने का। और ये देखो कान में इसने कल पहने थे ना, ये देखो आज इसने फिर पहन लिए, कह रही मुझे पहना दो, तो मैंने पहना दिए, तो ये चपकता है। अच्छा हो गई, हो नया रेडी हो गई थी, मैंने आपको दिखा दिया था आज मैंने पहना ये सूट, ये सूट आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं वृंदावन गई थी तब मैंने सेम सूट पहना था, ये वाला, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और आज मैंने डाली चूड़ियाँ, ये मुझे मिली थी निधिवन से, मिली थी निधिवन में, आप जाओ ना श्रृंगार का सामान था, वही चूड़ियाँ मैंने पूजा में रखी थी, आज पहन रही जन्माष्टमी के दिन, फिर निकाल के रख दूंगी क्योंकि स्पेशल है। तो कहते हैं निधिवन में जो राधा रानी और कृष्ण भगवान के लिए जो सामान रखते, जो फिर वो सामान वो रात में यूज़ कर लेते, वो सामान भक्तों में बांटा जाता है, वही यही चूड़ियाँ। क्या हुआ क्या नाया ने पता नहीं अपनी क्या आईज में लगा लिया, क्या हुआ है, क्या हो गया, अब फूकू हटो, खोलो आईज खोलो, अब सही हुआ, पानी नहीं, इधर दिखाओ हुआ क्या है, पर ये तो बताओ, पता नहीं क्या हुआ है, अब सही है, कुछ चला गया हुआ है ना। आज नीचे लगा है थर्सडे मार्केट, दूर कितना प्यारा लग रहा है, और सामने आपको दिख रहा होगा देखो रूम का, देखो कि मंदिर कितना प्यारा डेकोरेट हुआ है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे सोसाइटी में भी, देखो एक सामने सोसाइटी रूम करके दिखाती हूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, ये भी सारी सोसाइटी में डेकोरेट हुआ है, सब अपना अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी, हमारी सोसाइटी में भी है, तो अभी हम जाएंगे, पहले जाएंगे सामने वाले मंदिर में, फिर जाएंगे अपनी सोसाइटी में। हमारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं, तो जहाँ भी हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम होना था वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम जा रहे हैं अपने मंदिर में। एक्चुअली सबके सोसाइटी मंदिर होते हैं, लेकिन एक मेन मंदिर भी है, बहुत बड़ा बना है, तो अगर हम जा रहे हैं साइड में देखा होगी कितने सारे शॉप्स लगे हैं, कितनी प्यारी लग रही है। और ये है एंट्री मंदिर की, डेकोरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये देखो दोनों साइड कितना प्यारा बहुत सुंदर। ये है मंदिर का गेट, एंट्रेंस है, वहाँ भी बहुत प्यारा डेकोरेट किया है,
होती है हर साल, ये उतना ही सुंदर डेकोरेट करते हैं। मंदिर के बाहर हम लोगों ने अपने जूते चप्पल जमा कर दिए हैं और अभी हम लगेंगे लाइन में। एक्चुअली आज हम जल्दी आ गए हैं तो लाइन इतनी लंबी नहीं है, अदरवाइज अगर आप लेट आओ तो बहुत लंबी लाइन लगती है। और मैं कितना एंजॉय कर रही है डांस कर रही है, कृष्ण के भजन चल रहे हैं मंदिर में। आप जाते हो जन्माष्टमी वाले दिन तो कृष्ण के भजन राधा रानी के भजन से चलते रहते हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको तो पता है कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो अभी जस्ट हम लाइन में लगे हुए हैं और आज बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे खाना जी लोग उनको सजा के उसमें बिठाते हैं झूले में और आप जाके उन्हें झूला झुला सकते हो। नई चीज देखने के लिए मैंने मंदिर में जो साइड में लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, इन्होंने सेल्फी पॉइंट ही बना रखा है। आप आओ अपने बच्चों को वो कृष्ण राधा बना के लेके आते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे कृष्ण राधा बना के लाए, सबके पेरेंट्स बना के लाते हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है खाना जी को झूला झुलाने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, बहुत प्यारे बहुत सुंदर लगी हुए पालते लोग बैठाते हैं, पालने में बहुत बड़ा पालना है और आप जाकर उन्हें झूला झुला सकते हो। और बस में और अनाया लाइन में लगी हुई है, अभी हम लोग झूला झुलाएंगे, इसके टैटू झुला चुके और ये बिल्कुल खाना जी है। फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर में गई थी और मैंने खाना जी को देखा था, मुझे सबसे सुंदर पूरे मंदिर में खाना जी लगे। और कभी अगर मौका मिला तो ऐसे खाना जी मैं अपने घर में जरूर लेके आऊँगी। और बस मेरा रमाया यहाँ पे झूला झुला रहे हैं। हमने मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और कान्हा जी को झूला भी झुला लिया है। हर साल हम इस मंदिर में आते ही आते हैं यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं सोसाइटी में। और ये देखो हमारी सोसाइटी का मंदिर कितना सुंदर है, ये कल आपने ब्लॉग में देखा होगा, प्रतिमा रखी हुई थी स्थापित नहीं हुई थी, बट आज जब हम आए तो स्थापित हो गई है। मंदिर भी बहुत सुंदर बहुत प्यारा लग रहा है और ये यहाँ पे देखो संगीत प्रोग्राम चल रहा है, ये हर साल हमारी सोसाइटी में हर साल होता है। बाहर से लोग आते हैं और सुंदर सुंदर कृष्ण के भजन राधा के भजन चलते हैं। रात को 12 बजे तक, फिर 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है कान्हा जी का, उनका अभिषेक वगैरह किया जाता है।
अभी हम यहाँ पे रहेंगे 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद घर जाएंगे। हमारे घर में जो खाना जो है जुगल जो रही है उसको भोग लगाना है, खाना खिलाएंगे अनाया और हम लोग भी खाना खा के फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर हम यहाँ रात को 12 बजे तक रुकेंगे आज। इधर ये देखो प्रशांत है मेरे, वो केलों को चक्कर खा खा के डब्बे के नीचे रख रहे हैं और मैंने देख लिया इनको। देखो संगीत प्रोग्राम चल रहा है, उसके भजन चल रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, सारे के सारे बच्चों के सामने लगा रखा है गोटी वाला गेम, खेलते हैं खड़ी कर देता है एक बार गेम चल रहा है। हम लोग काफी देर बैठे उसके बाद घर आ गए, तो मेरी फ्रेंड भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए ऊपर, तो मैंने उसके लिए चाय बनाई, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई बनाए मैंने। कौन नहीं आएगा कभी, क्यों क्यों नहीं आएगा, देखो इधर देखो। अच्छा सच सच बताना, अब वो चला गया है, अब तुम्हें दुख हो रहा है ना? नहीं मुझे नहीं, नहीं हो रहा, अब उसे नहीं बुलाऊं फिर, नहीं कभी नहीं बुलाऊं। सूट के साथ अकेले खेलोगी तो पागल, सूट के साथ तुम्हारे ही है, वो लेके थोड़ी ना जाता है, वो तो तुम्हारे पास ही रहता है। नहीं मुझे नहीं, वो नहीं आएगा। चलो ठीक, कल हम अर्शु घर जाने वाले थे, कैंसिल कर दे, कैंसिल कर देंगे। मारता है, उसे मारा तो नहीं, तो झूठ है, नहीं ये सरासर झूठ है, झूठे इल्जाम ना लगाया करो। नहीं उसने कहा था थप्पड़ मारूंगा, एक चीज बताओ, उसने कहा थप्पड़ मारूंगा, तुमने भी तो कहा थप्पड़ मारूंगी, मारा थोड़ी ना, कहने और करने में फर्क होता ना बेटा, उसने कहा है मारा थोड़ी ना है। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया, नहीं जा रहे, मैं तो मजाक कर रही थी। हम लोग घर आ गए थे, हम लोगों ने खाना खाया, अपने लड़की को पाल जुगल जोड़ी सबको भोग लगा के उनको सबको खाना खिला दिया। उसके बाद हम लोग दोबारा नीचे जा रहे हैं, एक्चुअली मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, खाना वगैरह बनाया था इसलिए,
और यहाँ पे फाइनली हम पहुंच गए हैं और अब हम बैठेंगे। अभी 11:30 हो रहे हैं, अब हम बैठेंगे 12 बजे तक, 12:30 बजे तक का जन्म होगा। लोगों ने तो कली जन्माष्टमी मना ली थी, कली अपने नाना जी का जन्म कर लिया था, काशी फल था, बट मंदिर में हमारी सोसाइटी में आज सेलिब्रेशन है, तो आज हम आए और यहाँ पे हमने नाना जी को लेकर आए। फर्स्ट टाइम मैंने जब से उनको लेकर आई हूँ, फर्स्ट टाइम जब से बाहर निकाला है, और पहले मैंने लाई थी और मैंने सोचा था अभी हम घर जाएंगे, जब आएंगे तो दोबारा लेकर आएंगे, क्योंकि कान्हा जी को भी अपने भजन सुनना और ये सत्संग कीर्तन में कान्हा जी को लेकर जाना बड़े खुश होते हैं, ऐसा हमारे गुरु जी कहते हैं, तो इसलिए मैं आज उनको यहाँ लेके आई हूँ। आप देख रहे होंगे मैं भीड़ के बीच बैठी हूँ, एक्चुअली मैं अपने कान्हा जी लेके गई थी, तो सब लोग उसको गोदी में लेके फोटो खिंचा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे सब लोग आके, कम से कम 10 से 15 मिनट मेरे ऐसे ही चले गए, जितने लोग थे सब लोग उसे गोदी में ले रहे, कोई प्यार कर रहा, कुछ लोगों ने तो उनको वो भी दिया, पैसे भी दिए कि इनकी टॉफी या फ्रूटी ले लेना, तो बस। और जिन्होंने भी कहा अपनी गोदी में लेने के लिए, मैंने सबको दिए, क्योंकि कान्हा जी सिर्फ मेरे नहीं है, सबके हैं, कहते कान्हा जी सबके होते हैं, आप ये ना समझिए आपके पास कान्हा जी है, लड्डू गोपाल है, और अगर कोई उन्हें प्यार कर रहा है तो उनको दीजिए, उन्हें प्यार करने दीजिए, कान्हा जी सबके हैं, हम ये भी कह सकते हैं कान्हा जी सिर्फ हमारे हैं। आ जाइए श्री पाट बिहारी तेरी आरती पाट बिहारी Thank you.
विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सभी के माता पिता की जय हो, सभी के माता पिता की जय हो, गुरु चरणों की जय हो, गुरु चरणों की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हम लोग घर आ गए थे, मैंने खाना जी को खिला दिया है, उनकी मैं नजर उतार दी, मुझे लगा जिनको नजर लग गई, लोगों ने इतना प्यार किया, इतना गोद में लिया, और अनाया के साथ में नजर उतारी। और आज का ब्लॉग पर सकते हैं, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इतनी, बाय बाय।